बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। बता दें कि विधानसभा में सभी पेंडिंग विधायी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अंतिम दिन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी काफी उग्र है। बताते चले आपको कि बिहार में हुए धार्मिक हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी के विधायक गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब चाहते हैं। बताते चले आपको कि वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही NIA से इस पूरे दंगे की जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। भाजपा के कुछ विधायक तो आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन करना चाहिए, बिहार में भी यूपी मॉडल लागू कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी के विधायक सदन के बाहर से लेकर अंदर तक इन मामलों पर हंगामा कर सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेता इन दंगों के लिए उल्टे RSS और बजरंग दल और बीजेपी के लोगों को दोषी करार दे रही है। वे कह रही है कि उनके शह पर ही इस तरह की वारदात हुई है। वहीं पिछले दिनों सदन के अंदर इस मामले पर जमकर हंगामा हुआ था और सदन महज पूरे दिन में 20 मिनट ही चलने दिया गया था। बता दें आपको कि विधानसभा के अंतिम दिन प्रश्न उत्तर काल में अल्पसूचित, तारंकित और शून्यकाल के प्रश्न किए जाएंगे। इसके अलावा ध्यानाकर्षण के 8 सवालों पर सरकार जवाब देगी। ध्यानाकर्षण के सवाल विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग से पूछे जाएंगे। वहीं वित्त विभाग के मंत्री बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के जनरल बजट पुस्तिका की प्रति को सदन पटल पर रखेंगे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति को सभा में इस पर रखा जाएगा। बता दें आपको कि बैठक की दूसरी पाली में यदि कोई विधायी कार्य बचा होगा तो उसे पूरा किया जाएगा। एक बार हम आपको फिर से बता दें चले कि बिहार में ये जो हिंसा की घटना घटी है उसको लेकर आज विधानसभा में बवाल होने के आसार जताए जा रहे हैं। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में हुए हिंसा को लेकर विधानसभा में आज क्या कुछ होता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।